वेरी गुड इवनिंग एवरी वन आई रियली होप यूर डूंगूटली सेफ एज वेल उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये जो अभी सीजन है फेस्टिव सीजन इसमें आप बहुत इन्जॉय भी कर रहे होंगे और साथ ही मैं आपकी प्रिपरेशन भी ऑन ट्रैक होगी ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एकता प्रत्यूष सुधा राय ऋषभ उत्पल आर्यन अभय राहुल अंकिता अमृता cognac all the people out there i would like to welcome you all to the session once again now that's again a session which is basically a session on the daily crash course as you all know and that's a part six of history and i'm sure about one thing that this crash course has helped you guys a lot abhi since you have seen we have done ancient we have done medieval and all these components of history they are very much important एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं एंड मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों के द्वारा आप एक बेहतर अपना पूरा का पूरा जो आइडिया है वो पहुँचा सकते हैं अपने दिमाग तक और उसके बाद उसको एग्जाम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं ऑल द पीपुल मीटल है मेक शोर यू ऑल शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड सो दैट दे केन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस वो सब इस सेशन की भरपूर एडवांटेज ले सकें ये मैं आपको बताना चाहूंगा क्लियर हो गया जी इतना हैविंग सेड दिस थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया विच यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग इज आज हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जैसे यूरोपियंस कमिंग टू इंडिया या फिर इंग्लिश ने कैसे अपना रूल को एक्सपैंड किया ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अगेन रिया द सेम पॉइंट दैट यू कैन टेक बाइ यूज एग्जाम्पल्स ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम अब ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं दैट टू फॉर वेरियस डोरेन्स भी थ्री मंथ्स सिक्स मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स और एटीन मंथ्स एट अ गुड डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट दस परसेंट डिस्काउंट के ऊपर आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसके जो सब्स्रिप्शन है उसके पूरे फायदे उठा सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के नाउ वेन एम टॉक अबाउट टूडेज क्लास आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर मैं बात करूंगा कमिंग ऑफ यूरोपियंस की एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो भी आप इसको बोलना चाहे बोल सकते हैं बट क्रक्स इसका वही रहता है दैट इज कमिंग ऑफ यूरोपियंस यू ऑल नो दैट यूरोपियंस वर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन कमिंग टू इंडिया वो इंडिया आना चाहते थे वो इंडिया क्यों आना चाहते थे ये भी आपको पता होना जरूरी है दे ऑल वॉन्टेड कम टू इंडिया बिकॉज इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्परस एंड ट्रेडिंग विद इंडिया वुड मेक देम वेरी प्रॉस्परस दे वुड अर्न एफ टी प्रोफिट दिस इज वॉट दे यूज टू थिंक So, you all know Portuguese did come to India, English came, French came, Dutch came, Danes came, Danish came. All these people basically came to India. Some were dominant, some were not that dominant. This is something you have to be knowing. So, having said this thing, the most important point which comes to my mind is a very simple one that we always need to be having a basic clarity as well about all the dimensions. You should know.

इसके बारे में भी चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सी सी रूट रूट ओवर द तो मैं जब मैं की बात करता हूं जब मैं समुद्री रास्ते की बात करता हूं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि समुद्री रास्ते के अपने बेनिफिट्स हैं यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग एंड वी कुड सी दिस आइडिया दैट पोर्टुगीज ने जब ये स्टार्ट किया तो बाकी लोगों ने भी इसको रेप्लीकेट करने की पूरी तरह से कोशिश की तो जहां तक पोर्टुगीज की बात है आप बस इतना याद रखिए 1498 में वी कुड सी वास्को डामा कमिंग जो कि कैलिकट में आता है और धीरे धीरे तो फिर पोर्टुगीज जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा ग्रो करने लगते हैं अपना डोमिनेंस बनाने लगते हैं भाई जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस क्लास में मेक श्योर यू ऑल शेयरिंग दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स हु कैन ऑल टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस रिविजन सीरीज वो रिविजन सीरीज जो क्रैश कोर्स है उससे पूर्ण रूप से एडवांटेज ले सकें इसलिए इसको शेयर जरूर कर दीजिए क्लियर हो गया वी कूड ऑब्जर्व वन वेरी बेसिक थिंग दे डेड कम वै और पोर्टुगीज का सबसे मेन आइडिया ये था कि हम लोग इंडिया में कैसे अपना पॉलिटिकल जो एक पोलिटिकल कंट्रोल है उसको बनाएंगे ये इनका सबसे मेन आइडिया था एंड उसके लिए सबसे पहले देखा हमने फ्रांसिस्को डी एलमीडा वोटुगेज गवर्नर ये वही है जिनकी पॉलिसी हुआ करती थी दैट वॉज नोन एज ब्लू वॉटर पॉलिसी आपने इसके बारे में सुना भी होगा के बारे में सो दिस इज ब्लू वॉर पॉलिसी एंड देन स्लोली स्टडली वन एल्फेंसोल्प देर एबल टू टेक गोवा फ्रॉम बीजापुर जो गोवा है यहाँ पे इट वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम द बीजापुर अराउंडीन टेन सो आपको भी पता होना चाहिए कि गोवा वॉज अंडर दोल ऑफ आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर देवर एबल टू टेक गोवा फ्रॉम देअ हैुड रिलेशन विद कृष्णदेव राय के अच्छे खासे रिलेशन थे और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था दे वर इजली एबल टू डिफीट बीजापुर एंड टेक अवे गोवा फ्रॉम द बीजापुर आई थिंक दैट्स क्लियर हैविंग सेड दिस थिंग यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन वेरी बेसिक थिंग दैट पोर्टुगीज वर वेरी मच फोकस अपॉन वन थिंग एंड दैट वॉज कार्टा सिस्टम देर वॉज सॉर्ट ऑफ लाइसेंसेस इन केस यू वॉन्ट टू ट्रेड स्पेशली ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यू नीड टू हैव कार्टा सिस्टम अगर आपने कार्टज नहीं खरीदा

अगर तो आपने काटा खरीदा तब तो ठीक है नहीं तो आपके शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा योर एंटायर शिप इज गोना बी डिस्ट्रॉयड बैडली इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इन लाइन विद दैट आई होप इट्स क्लियर हैविंग सेड दिस थिंग सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल कर आती है वो क्या है वो है कि पोर्टुगीज इंडिया में प्रेस भी लेकर आए हैं प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की हम लोग बात करते हैं वो भी कहीं कही ना कहीं यही इंडिया में लेकर आए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन ओवर हेयर ज वेरी मच बेसिक वो क्या है डच इन इंडिया बी नोइंग टू में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म विच इज ऑल्सो नोन नाउ यू वुड बी अमेज टू नो वन थिंग इट इज द फर्स्ट एम एनसी इन द वर्ल्ड दुनिया की पहली मल्टी नेशनल कंपनी कौन सी है वो यही है डच वी ओ सी इज द फर्स्ट मल्टी नेशनल कंपनी इन द वर्ल्ड दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड बात हमेशा याद रखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं वीओसी की बात कर रहा हूं डच वीओसी नाउ द पॉइंट हमने एक चीज देखी एंटर इंडिया द प्रॉब्लम इज अगर आप कभी भी लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो डच वेवर एबल टू सर्वाइव डच बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाए बहुत सारे उसके कारण थे लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था बैटल ऑफ किन्सुरा या फिर बैटल ऑफ बिदारा आई थिंक आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है ये बैटल ऑफ तिनसुरा या फिर बैटल ऑफ बिदारा की मैं बात कर रहा हूं अभी क्या है ये जो बैटल है 1759 की दिस वॉज अ बैटल बिटवीन डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इस बैटल में इन्होंने इतनी बुरी तरह से डच को हराया कि उसके बाद डच का पूरा जो करियर था वो यहां पर क्या हो गया खत्म हो गया डच का मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड वही है डच का बेसिकली मीनिंग ही है हॉलैंड या फिर नीदरलैंड ई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर नाउ अब देखिए हमने बात की अभी तक पोर्टुगीज की हमने बात की डच की बट द मेन आइडिया विच यू गॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग कई बार बात करते हैं इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको पहले तो एक चीज समझनी है वेन यू टॉक बट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉट इज द मेन आइडिया विच यू नीड टू ड्रॉ फ्रॉम हेयर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसको 1599 में बनाया तो गया बट इसको चार्टर जो मिला है चार्टर फ्रॉम द क्वीन दैट वाज इन 1600 हंड्रेड सोलह सौ में इसको चार्टर मिला चार्टर का मतलब क्या है कोई मुझे बता सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द चार्टर फ्रॉम द क्वीन वॉट डू यू मीन बाय दिस चार्टर चार्टर का क्या मतलब होगा चार्टर का मतलब होगा कि वो भारत में जाके ट्रेड तो करेंगे ये तो पहली चीज है बल्कि उनको ट्रेड की मोनोपली भी मिली ट्रेड का मतलब क्या हुआ मोनोपलिन ट्रेड का मतलब यह हुआ कि इंडिया में और कोई भी कंपनी नहीं आएगी कहां से ब्रिटेन से नो कंपनी फ्रॉम द ब्रिटेन वुड बी कमिंग टू इंडिया इन ऑर्डर टू ट्रेड ना दैट वॉज द बेस्ट पार्ट कि जो चार्टर है ये उनको क्या दे रहा है मोनोपली दे रहा है मोनोपली टू ट्रेड कि भाई आपके साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए एटलीस्ट ब्रिटेन से तो कोई कंपनी नहीं आने वाली ये बात आप याद रखेगा वेरी गुड थिंग सो इनको चार्टर मिल गया उसके बाद वेन दी केम टू इंडिया जहांगीर ने भी परमिशन दी सूरत की फैक्ट्री को एक्सपैंड किया गया और विलियम और थॉमस रो का एक बहुत बड़ा रोल था इस सारी चीज को करने में सो हु वॉज द मुगल एम्पर जिनके टाइम पे आए हैं दैट वॉज जहांगीर नाउ द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज धीरे 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 इन्होंने क्या किया अपने आप को एक्सपैंड किया पहले दे दे इन सूरत देन दे वें तो देन वेंट दे टू आल्सो एंटर्ड बंगाल धीरे धीरे हमने क्या देखा वो बंगाल एंटर कर गए थे

बट वी कुट इंग वैन दे आर एंटरिंग इंडिया सो दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट्स इन इंडिया स्पेशली Bengal. बेंगाल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने का स्कोप था वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास एक अगर आप पूरे तरह से देखते हैं बहुत ज़्यादा कमाई के साधन है जो शायद आपको और कहीं ना मिल पाए जो शायद आपको और कहीं ना मिल पाए इसीलिए इस चीज़ को मैं आपको बढ़िया तरीके से बताना चाहता हूँ ंग सेट दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हम लोग किस तरह से और पावर्स को भी देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ डेंस डिश डेनमार्क के जो लोग थे वॉट अबाउट दैम दे ऑल्सो एंटर इंडिया इन फैक्ट सिक दे आर वेरी मच एक्टिव सबसे पहले कौन देख रहे हैं हम लोग पोर्टुगीज देन वी आर सिंग डेन इंग्लिश दैट इज एंड फाइनली विल सी फ्रेंच कमिंग द लास्ट इनके बारे में एक चीज आपको बस पता होनी चाहिए एक बहुत सुंदर सा फोर्ट है तमिलनाडु में ट्रैंकबार में जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसबॉग फोर्ट इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा तो ये जो फोर्ट डेंसबॉर्ग है ये किसका था दिस वॉज ऑफ पीपल फ्रॉम डेनमार्क तो ये इन्होंने अपना एक बेस बनाया हुआ था यहां पे बहुत शानदार बेस था जो कि डैनिश पीपल्स का था बाकी यहाँ पे दे वर नॉट एबल टू सरवाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम वो यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और उसके बाद हमने देखा कि वो यहां पे छोड़कर चले जाते हैं विथ टाइम दिस इज द ओनली थिंग विच नो अबाउट देम बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल अदर देन द ब्रिटिश वर फ्रेंच बट फ्रेंच से एक गलती हुई वो क्या थी फ्रेंच की सबसे बड़ी गलती थी देवर वेरी मच लेट टू अराइव पोर्टुगीज बहुत पहले आ गए फ्रेंच बहुत लेट आए मैं आपको बताऊंगा कि इट वॉज इन सिक्सटीन सिक्सटी फोर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिक्सटी हंड्रेड में बन गई थी

1740 से लेकर 1760 के बीच में जो कर्नाटिक वॉर्स हुई हैं इंडिया में वो क्यों हुई हैं बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट विच वर ऑलवेज ऑन गोइंग बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच ये बात याद रख लेना इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे हमेशा से चले आ रहे थे उन्हीं की वजह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह के से कर्नाटिक वॉर्स होती हैं कर्नाटिक वॉर्स क्यों बिकॉज दे आर हैपनिंग इन दिस एरिया विच इज़ द एरिया नोन एज कर्नाटक ये देखेगा ये जो एरिया है पूरा हमारी आर द वॉर्स द इंग्लिश एंड द फ्रेंच इन एंड शेयर द सेशन एट शेयर इट ऑल द ऑफ दो दैट एवरीबडी एल्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस सबको इसका पूरा फायदा मिल सके दिस रिविजन इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव वे टू रिवाइज एवरीथिंग एंड दैट टू रेपिड पेस आप खुद से अगर पढ़ रहे हो

कर्नाटिक वॉर सेवेंटीन फोर्टीज में तो होती है एंड यू गॉट टू नो वन थिंग दैट वी वर हैिटिश एंड द फ्रेंच दे वपोर्टिंग द ऑपोजिट साइड एंड हेयर इन इंडिया बिकॉज इन ऑस्ट्रिया दिस वॉर ऑफ सक्सेशन गोइंग ऑन

कि इंडिया में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होती भी है लेकिन उसका इंडिया में कोई कॉज भी नहीं है दे वॉज नो कॉज वो एवर ऑफ दिस इन इंडिया नाउ वी सॉ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग दैट वॉज इन सेवनटीन फोर्टी एट निज़ाम ऑफ हैदराबाद डाइड हमने क्या देखा जो निज़ाम था यू रिमेंबर असफ जा हु हैदराबाद चिंज क्रिच कर ही बेसिकली इज डेड ना वेन ही डाइड ऑफकोर्स सिंपल सी बात है सी हिज सन एंड इज ग्रैंड सन फाइटिंग दैट हुई नेक्स्ट एग्जाम एंड दैट इज अगेन वेयर द प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम यहीं पर प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी कि कौन है जो अगला नवाब बनेगा जो अगला निजाम बनेगा दिस इज वाई द सेकेंड कर्नाटिक वॉर नाउ वॉट ब्रिटिश एंड फ्रेंच हैव टू डू नो दैट बिगेस्ट क्वेश्चन ब्रिटिश और फ्रेंच का इससे क्या लेना देना है बिकॉज अल्टीमेटली इट शुड नॉट कंसर्न दल ब्रिटिश और फ्रेंच का तो इसमें कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए बट स्टिल दे आर वेरी मच कंसर्न सो आई वुड लाइक टू शो यू द डायनेमिक्स विच वाई इन्वॉल्व दे स्टार्टेड पिटिंग फॉर ऑपोजिट साइड फॉर एग्जाम्पल इन हैदराबाद वी सॉ द फाइट जंग एंड नसीर जंग मुजफ्फरजंगज द ग्रैंड सन ऑफ निजाम एंड नसीर जंग सन ऑफ निजाम जंग English, सपोर्टेड बाई इंग्लिश एंड French. फ्रेंच सो जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच

प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं इसमें फ्रेंच की तरफ से डुप्लेसी वॉज फाइटिंग अ वेरी स्मार्ट पर्सन ही वॉज वेन इट मिलिट्री स्ट्रैटेजी जोसो इज डुप्ले वॉज अ वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस एनीवेज नोट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर वॉर फाइनली एंडेड एंड वी कुड सी दैट नथिंग कंक्लूडिंग वॉज है कुछ इतना कंक्लूडिंग खास हो नहीं रहा था यह मैं आपको पहले तो बताना चाहता हूँ

देर वॉज द बैटल ऑफ वेंडी वॉर्श इन सेवनटीन सिक्सटी दिस बैटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वाई क्योंकि इसने फ्रेंच को इंडिया में हिलाकर रख दिया और फ्रेंच की जो भी फ्यूचर थे इंडिया में उसको खत्म कर दिया इसने देर ऑल द होप्स ऑफ बिल्डिंग एम्पायर इंडिया वॉज डूम्ड एंड इट वॉज वेरी वेरी क्लियर कट दैट नाउ दे आर नॉट गोइंग टू बी नेक्स पोलिटिकल पार्ट सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर दिस वॉर वी कुड सी ट्री ऑफ पैरिस एंड आफ्टर ट्री ऑफ पैरिस वी कुड सिंपली से वन थिंग

French were not having that a great navy British were having Bombay, Calcutta, Madras ports French were having just one Puducherry British were having Bengal under their control so of course they were very much smart because they were having a lot of resources which Bengal, Karnataka was not as rich in resources as Bengal so it was very much clear that British now were in a very strong side, they were in a very dominant side. Now since we see that with time British are very dominant so, what exactly are they gonna do in India that is very much important, British, British or English, they were certainly a very much dominant power. So, having said this thing, now you got to know one thing that British they have occupied India, they have conquered India without any doubt. But what exactly are the policies which they have used? What are the policies which we saw them using? Is actually very much fascinating, is actually very much important. So you should know.

To occupy large part of India under their control, and that is something you got to be knowing. So British expansion in India is not by the fluke; it was a proper planned decision which they took every now and then, alegalet time pay, they are taking a lot of decisions. Only then this point is there to be understood by you. Clear? ji Everyone is able to understand this point. Now, having said this thing, the very important idea is that.

राइट और द पावर टू इशू दस्तक दो चीजें तो क्या मैं फिर से बता रहा हूं वन इज ड्यूटी फ्री ट्रेड वन इज ड्यूटी फ्री ट्रेड एंड सेकेंड इज राइट टू इशू दस्तक नॉट इज दस्तक दस्तक बेसिकली मीन्स परमिट दस्तक मीन्स परमिट स्मॉल स्मॉल परमिट्स सो अल्टीमेटली नाउ लोकल नवाब ऑफ बंगॉल मुर्शिदुली खान वॉज है एक ही बात बोलीस्ट इंडिया दिस राइट टू इशू दस्तक भाई नवाब तो हमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक इशू करेगी दिस एक्चुअली गुड रेफ बिटवीन द नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखेगा

And he logged all the officers of East India Company into a jail. Not only that, we could see their wives and children were put into a barrack, 14 feet by 18 feet ka room. Tha. Pe they were all closed, they were all logged inside that room, and most of them died because of suffocation, because of the humidity. And this is known as black hole tragedy of Calcutta. Now, because this black hole tragedy happened, now we could see it was very clear that there has to be a battle. एक वॉर तो होगी होगी एंड ड्यूटी वॉज गिवेन टू होम दिस ड्यूटी वॉज गिवेन टू रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव रीच क्या ही रियलाइज कि वी कैन ईजीली ब्राइब द ऑफिसर्स ऑफ नवाब नवाब के जो ऑफिसर्स है उनको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं ब्राइब कर सकते हैं एंड दिस इज वॉट द डिड सो अल्टीमेटली यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट वॉट वॉज द स्ट्रैटी ऑफ द ब्रिटिश वेरी सिंपल स्ट्रेटजी दैट वी हैव टू जस्ट गिव ब्राइब टू द ऑफिसर्स ऑफ द नवाब एंड दे एंडिड दिस

That how they are winning this battle now. It's just a treachery. It is, it is. just making sure that all the loyal people of the nawab are coming on your side, and this is what they are doing. So it is not a good thing at all. But this is what is being done over there. Clear. Now having said this thing, hamne kya dekha? Puppet nawab was sitting now on the throne. It was Mir Jafar. Mir Jafar was now made the nawab. Dalla was killed after the battle of Plassey.

And this is why we could see Battle of Buxar happen. Battle of Buxar hui. 1764 1764, this was fought by, of course, Mir Qasim, jo Bengal ka Nawab On one hand, we had Shah Alam II, who was the Mughal Emperor. He was the Mughal Emperor. And ud dawala, was the Nawab of Awadh. So, these were people on one hand. And then we had Hector Nova, that is, East India Company who represent kar tha. We saw the battle happening, uh, battle happened in the अक्टूबर 1764 और जैसी बैटल ऑफ बक्सर होती है जैसे हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इट वाज नॉट अ स्मॉल बैटल इट वाज अ मैसिव मैसिव बैटल विच टुक प्लेस बहुत बड़े लेवल पे हमने देखा था कि ये बैटल जो है ये हुई थी तो हमने देखा चाहे शाह आलम हो मीर कासम शुजाउद एक तरफ एंड देवर ऑल डिफीटेड बैटली बाई द इंग्लिश नाउ दैट वॉज अ वेरी बिग टिपिंग पॉइंट दैट वॉज एक्चुअली अ पॉइंट विच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक बहुत ही सीरियस चीज थी जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है तो so ये आपको थोड़ा सा ध्यान में इस चीज को रखना होगा दैट आफ्टर दिस थिंग इट वॉज बेसिकली फॉर द ब्रिटिश इट वॉज वेरी वेरी इजी टू टेक एनी थिंग फ्रॉम द मुगल एम्पायर एंड देस थिंग द साइन ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन सेवन सिक्सटी फाइव एंड दे टुक अवे अ वेरी प्रेशियस थिंग दैट वॉज रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स जो रेवेन्यू कलेक्शन की राइट्स है उनको बेसिकली इन्होंने क्या किया है इन्होंने छीन लिया है ये मैं आपको बताना चाहता हूं समझ आ गया इतना तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया है दीवानी राइट्स को छीन लिया है मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स को छीन लिया है ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा बेटा क्लियर हो गया इतना एनी वन इफ यू हैव एनी डाउट यू श्योरली लेट मी नो यहां तक जितना मैंने आपको बताया है वो पता चला आपको दीवानी राइट्स मतलब क्या है बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टिंग जो राइट होती है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं वो इनको मिल गया था अब ये बहुत बड़ी बात होती है इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग इट इज एक्चुअली अ वेरी फिनोमिनल थिंग दे आर गेटिंग आप खुद सोच सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली अभी ये कितना कुछ कर सकते हैं लेकिन लिटरली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स सिंगल हैंडेडली एंड दिस इज वॉट दे वॉन्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम यही चीजें हैं जो वो बहुत देर से चाहते थे और ये चीज फाइनली उनके हाथ में आ चुकी थी नाउ द पॉइंट इज दैट हमने क्या देखा कि चलिए ये तो एक तरह से इन्होंने बहुत ही चालाकी से अपने हाथ में सब कुछ ले लिया बट अदर देन दिस ऑल्सो दे हैव डन अ लॉट दे हैव कम अप विद लॉट ऑफ पॉलिसीज जो कि बाद में जाके इनके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित हुई है ब्रिटिश के लिए उन पॉलिसीज की भी मैं चर्चा करनी चाहूंगा जैसे पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक संधि इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं सो द पॉइंट गॉट टू नो ओवर हेयर लॉर्ड वेलेजली जो है वो इसको प्रॉपर तरह से लेकर आता है अगर आपको सही मायने में बताऊं तो जो डुप्लेसी था उसका यह आइडिया था कभी लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से कौन लेकर आया है लॉर्ड वेलेजली ही लेकर आया है इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हेयर वॉट इज दिस ऑल अबाउट ये क्या है जो वेलेजली लेकर आता है क्या है एक ऐसी चीज इसके अंदर यह आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा ध्यान दीजिएगा इफ यू आर ए इंडियन रूलर वॉट एग्जैक्टली आर यू सपोज टू डू अगर आप मान लीजिए इंडियन रूलर है तो आप क्या करेंगे यू आर गोइंग टू डिस्बैंड योर ओन आर्मी एंड यू आर गोइंग टू मेंटेन इंग्लिश ट्रूफ्स एट योर ओन एक्सपेंस मैं सुन, मैं जानता हूं ये सुनने में बहुत बेवकूफी लगती है बट ट्रस्ट मी बहुत सारी इंडियन स्टेट्स थी जो इसके लिए तैयार हो गई तो ब्रिटिश इसमें ऑफर क्या देते थे ब्रिटिश ऑफर सिर्फ ये देते थे कि हम लोग एक आपको बस छोटी सी चीज बोल रहे हैं उसको आप करिए वो क्या था वो छोटी चीज यही थी दैट कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करने हैं हमारी फोर्सेस तो सुनने में लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है कोई बड़ी बात नहीं है ध्यान से देखिएगा इंडियन रूलर अगर ये ट्रीटी को साइन करता है सब्जी अलायंस को साइन करता है तो उसको ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी स्टेट में रखना होगा पहली बात और उसको ब्रिटिश फोर्सेस की मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देना होगा समझ आ गया नाउ द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ब्रिटिश क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे इंडियन स्टेट को दो चीजों से एक है कभी भी कोई फॉरेन अटैक से एक है इंटरनल रिवोल्ट से तो इट साउंड्स वेरी गुड यहां तक इट इज साउंडिंग वेरी नाइस क्लियर हो गया इतना थैंक यू सचिन तो आप ये बताओ यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि क्या है फीचर्स इसके मेन बात तो यही है कि ब्रिटिश की फोर्सेज आप मेंटेन करेंगे और वो आपको प्रोटेक्ट कर देंगे बट द रियल गेम इज दैट इन केस कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास पैसे नहीं है आप उनको पैसे नहीं दे पा रहे हो तो योर टेरिटरी विल बी टेकन अवे ब्रिटिश आपके जो भी एरिया होगा उसमें बहुत इंटरफेरेंस दिखाएंगे इंडियन स्टेट इज नॉट गोइंग टू साइन एनी ट्रीटी और अलायंस विद एनी एनी पावर इंडियन रूलर एम्प्लॉय यूरोपियन अदर देन इंग्लिश सो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये आपको जो मैंने हाईलाइट करके बताया है इससे होगा क्या अल्टीमेटली वॉट इज द पॉइंट विच यू हैव टू बी नोइंग वो यही है कि इंडियन रूलर जो है वो तो सब कुछ अपना खो ही देगा अल्टीमेटली इंडियन रूलर जो है वो क्या होगा वो अपनी सारी पावर्स को खो देगा इंटरनल अफेयर्स मिलिट्री मैटर्स में अपनी सारी इंडिपेंडेंस खो देगा और ब्रिटिश क्या करेंगे सारी चीजें अपने हाथ में ले लेंगे यही ब्रिटिश की एक सोच थी बहुत लोगों का अनएंप्लॉयमेंट फेस करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि आपने क्या किया आपने अपनी पूरी की पूरी जो आर्मी थी उसको तो निकाल दिया है ब्रिटिश रेजिडेंट वो सेंट इन टू द इंडियन कोर्ट ब्रिटिश रेजिडेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट समझ आ गया इतना कुल मिला के आप सिर्फ इतना याद रख लो कि आपने अगर एक बार ट्रीटी ऑफ सब्सिडी लाइन साइन कर ली तो आप पूरी जो जिंदगी है आपकी मतलब आपकी जो भी स्टेट है वो तो खो ही दोगे इसमें कोई शक नहीं है एंड दैट इज अ वेरी बेसिक पॉइंट अब कई बार क्वेश्चन आता है विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन दिस पहली इंडियन स्टेट कौन सी थी जिसने इसको साइन किया इट वॉज स्टेट ऑफ हैदराबाद हैदराबाद ने 1798 में ही साइन कर लिया था फिर मैसूर ने किया टीपू की डेथ के बाद तंजौर अवध पेशवा गायकवाड तो ये सारी की सारी स्टेट्स हैं हमारे पास जिन्होंने इस ट्री को साइन किया है क्लियर हो गया इतना तो इट स्टार्टिंग विध हैदराबाद कोर्स एंड आप खुद सोचिए कि कि कितनी चालाकी से इंडियन स्टेट को अपने काबू में किया है इस ट्री के माध्यम से सहायक संधि या फिर सब्जी अलाइंस के माध्यम से ब्रिटिश ने दिस इज भी आप देखो अगर आप कभी जैसे ई पे कुछ लेते हो अगर आपकी इनकम अच्छी तब तो बहुत अच्छी बात है अगर मान लो आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो क्या होगा तो धीरे धीरे आपकी ई जो है वो अगर आपकी लैब्स होती हैं तो धीरे धीरे जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा बनता जाएगा आपने एक लाख रुपए लोन लिया था एक का दो लाख बनेगा दो का चार लाख बनेगा चार का आठ लाख भी बनेगा दैट इज अ विशियस साइकिल आई टेल यू सो दिस इज समिंग विच इजनिंग है आप क्या कर रहे हैं आप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं वो उसको डबल कर देंगे उसको ट्रिपल कर देंगे वो बढ़ता रहेगा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता रहेगा दैट इज वॉट द प्रॉब्लम इज प्रॉब एनी वेज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है डॉक्टर है तो ये भी बहुत गलत पॉलिसी है डॉक्टर ऑफ लैब्स की मैं बात कर रहा हूं अभी किसकी पॉलिसी है ये आपको शायद पता होगा इज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहोजी डल ये पॉलिसी को लेकर आया नाउ द पॉइंट इज सिंपल फंडा इसमें यही है दैट अडोप्टेड सन ऑफ इंडियन रूलर कुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड एज द हायर ऑफ द किंगडम अगर आपका कोई अडोप्टेड बच्चा है और आप राजा हैं तो आप याद रखिएगा कि वो आपका जो बच्चा है अडोप्टेड वो अगला राजा नहीं बन पाएगा ही cannot बिकम द नेक्स्ट किंग वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी ले सकता है आपकी वो जायदाद ले सकता है लेकिन वो राज गद्दी नहीं ले सकता दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम और यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमारी फेमस ब्रेव महारानी लक्ष्मीबाई को क्यों? गंगा राव की डेथ होगी इनकी वाइफ की नाउ इन्होंने अडॉप्ट किया बेटे को आनंद राव ही वॉज नॉट एबल टू बिकम द नेक्स्ट किंग ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें देखने को मिला कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको इस तरह की जो समस्या है उससे जूझना पड़ रहा था इंडिया में विच वॉज एक्चुअली अ वेरी बैड थिंग टू डू आप देख सकते हैं चाहे वो सत्तारा है चाहे जयपुर है संबलपुर बागत उदयपुर झांसी नागपुर और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको इस समस्या से जूझना पड़ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ लॉर्ड डलहौसी तो ये तो वही बात हुई कि आप मेरी स्टेट है अगर मैं राजा हूं तो हम कैसे ये बात बोल दें कि आप मतलब आपकी मैं बात सुनूं कि आप बताओगे कि तो हम राजा बनाएंगे दिस वाज एक्चुअली वेरी मच बेसिक थिंग और यही चीज यहां पे हो रही थी सतारा द फर्स्ट विक्ट ऑफ दिस पॉलिसी तो 1798 में सबसे लाइन के पहले विक्ट थे है, हैदराबाद और यहां पर सतारा थी ये बात याद रखेगा इफ यू द सेशन एट श्योर यू शेयर इट राइट नाउ सो दैट मैक्सिमम दीपल आर एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ द सेशन तो ये आपको बात समझ आई मैंने आपको पॉलिसीज तो बारे में बहुत कुछ बताया नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अ वेरी बेसिक थिंग वेरी बेसिक स्टोरी ऑफ थ्री मेन पावर्स इन इंडिया तीन बहुत मेन पावर्स इंडिया की थी दैट वॉज ऑफकोर्स मराठास मैसोर एंड पंजाब तो इनकी भी स्टोरी बताना जरूरी है एंड ब्रिटिश इंप्लॉयड वॉर्स टू इनकॉर्पोरेट दीज टेरिटरीज चाहे वो मराठास हो चाहे वो मैसोर हो चाहे वो सिक्स हो इनके खिलाफ ब्रिटिश हैड टू तो फाइट वॉर्स ओनली देन

When I talk about anglo mesur war, it means English are on one side, Masur is on one side. This is what you have to understand. And Masur was being ruled by whom? Haider Ali. Haider Ali was basically controlling the Masur. Now, Masur actually was a big threat for everyone. Why? Haider Ali was a very expansionist person. So, Marathas were his, ultimately, uh, Marathas were his neighbours. Nizam was a neighbour, English were the neighbour and Travancore was a neighbour. वी हैव दिज फोर नेबर्स एंड ऑल दीज फोर नेबर्स देवर वेरी मच थ्रेटर्ड बाई दिसन वो बहुत ज्यादा थ्रेटन रहते थे उनको बहुत डर लगता था कि भाई अगर कभी इन्होंने एक्सपेंशन की तो हम तो फंसेंगे यही एक पॉइंट है कि हमने एंग्लो मैसूर वॉर देखी जैसे फर्स्ट वॉर ही देख लो फर्स्ट वॉर की अगर बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्टिंग जब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑन वन साइड But ultimately, he changed the side, and Marathas were becoming very much neutral. So again, this war is not very much conclusive. First Anglo-Mysore War, it was fought. Of course, Ali was fighting from the front. But again, you got to understand that British realized that they are quite strong. So this ended with the Treaty of Madras, when 1769. So Treaty of Madras was signed, and they said that okay, we need to strengthen ourselves only then we can win a war against them. So similarly.

तो हमने क्या देखा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई है 1790 to 1792, उसका main reason यही था वेरी डेडली वॉर ट्रवन कोर मराठा हैदराबाद ब्रिटेन एवरी थिंग वॉज ऑन वन साइड पावर वॉज ऑन वन साइड एंड टीपू वॉज अ लोन एंड दैट इज वाई टीपू लॉस्ट तो हेयर टीपू नॉट डाई बट टीपू लॉस्ट बैडली टीपू ये लड़ाई हार गया एंड हमने देखा फाइनली ट्रीटी ऑफ सरिंगा साइन इट वॉज अ वेरी बैड ट्रीटी ह्यूमिल ट्रीटी बाई टीपू के जो बच्चे थे किडनेप बा जो टेरिटरी थी टीपू की उनको टीपू से छीन लिया गया दिस इज समिंग यू गॉट टू बी नोइंग सो अगेन दिस आइडिया इज वेरी सिंपल दैट वी कैन सी दैट हाउ इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर इन अ वेरी स्टेप बाई स्टेप मैनर They have taken literally everything away from Mysore. You can have a look how they have taken away everything. For example, can you see that? Have a look. Like this was taken by the English. This was taken by the Peshwas. This was by Nizam. This was taken by Travancore. So a lot of territories are taken by all these powers who have defeated Tipu in the third Anglo-Mysore War. And finally, we could see that they wanted to eliminate Tipu, and that is why fourth Anglo-Mysore War was fought again. In this war. We could see it was in 1799 we could see this war coming up, and here Tipu lost his life. So, in here, Tipu's body was found, and it was actually a very deadly war. And this was actually the final conflict. Why? Because now British were very clear about one thing that we have to install some puppet rulers on Mysore. So that is why Krishna Rajavadyar was installed by them on Mysore. Yeah.

Maratha Empire had Peshwas, they had the Ashvadhan system, all things we have, we have talked about in the previous class. Now, the point to be noted is that, of course, Peshwa was very much strong, no doubt about it. But we have to know that there was a time when literally Marathas were having a great control over India, no doubt. A big part of India was under the Marathas, the indirect control or direct control. So, this was a time when in 1761 a big battle happened.

एक शॉकिंग चीज थी इनके लिए बहुत ज्यादा इनको दुख लगा था तो इनकी इसमें मृत्यु हो जाती है इस बैटल के न्यूज सुनकर काफी तबियत खराब होती है और इनकी डेथ होती है एंड देनोर्स सक्सीडेड बाय माधवराव पेशवा वेरी स्मूथलीस यू विल सी दैट माधवराव पेशवा जो है ही बिकेम द नेक्स्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर पॉइंट इज दैट ऑफकोर्स After Madhav Rao died, his brother Narayan Rao became the Peshwa. Narayan Rao Peshwa easily. Now, this is where the real game starts. When the Narayan Rao became the Peshwa, we all realized that who actually wanted to become the Peshwa? It was Raghunath Rao. So, Raghunath Rao wanted to become the Peshwa. He was very much ambitious, and that is the reason he killed Narayan Rao. So, basically, this person, Narayan Rao, he was killed.

and everybody said that we have to make this child as the next peshwa and now raghnathrao was very much sad and it is because of this he sought the help of british warren Hastings se help mangi no warren Hastings help and that is how the first anglo maratha war has started in 1775 so kya hai ye? it is basically because of lack of unity which we could see in the marathas याद रखियेगा रघुनाथ राव साइंड अ ट्रीटी विद्रिटेशन की एक ही बात बोली दैट यू गिव मी ट्रूप एंड आई विल गिव यू टेरिटरीज आप मुझे कुछ सोल्जर्स दो और मैं आपको कुछ टेरिटरीज दे दूंगा और इसी प्रकार से ट्रीटी ऑफ सूरत को जैसे साइन किया गया तो हमने देखा कि ये जो लड़ाई है ये स्टार्ट हो जाती है अब एव ये जो लड़ाई है इसमें पता चल गया था ब्रिटिश को कि मराठा कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए 1782 में ही ये लड़ाई जो थी पूरी समाप्त हो जाती है विद ट्रीटी ऑफ सालबाई तो ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ 1782 में दिस वॉर गॉट फिनिश्ड ये बात याद रखेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अभिप्रता सो so, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है दिस पॉइंट इज एप्सोलूटली वेरी मच क्लियर टू यू ऑल आई होप सो हैविंग सेड दैट यू गॉट टू नो कि देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो ऐसे खत्म होती है लेकिन मराठा कॉन्फिटी में एक बहुत बड़ा इशू था वो था कि बहुत सारे सरदार हुआ करते थे अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग सरदार होते थे चाहे वो पेशवास हो पुणे में गायकवाड़ बड़ौदा में होलकर इंदौर में सिंधिया ग्वालियर में भोसले नागपुर में अब अलग अलग सरदार हैं अलग अलग सरदार होने का मतलब है कि इनके अंदर यूनिटी की थोड़ी सी तो कमी रहेगी और ये रहती थी और ऐसे कुछ हुआ 1802 में जब होलकर जो थे इन्होंने क्या किया बहुत ज़्यादा डरा दिया पेशवा को पेशवा को इतना डराया गया पेशवा कहां चला गया पेशवा चला गया ब्रिटिश के पास ब्रिटिश के पास जाके इसने एक बहुत बड़ी गलती की इसने ट्रीटी ऑफ बेसिन को साइन किया जो कि एक सब्सिडरी ट्रीटी थी अब इस ट्रीटी ऑफ बेसिन को साइन करने का मतलब था कि आपने क्या कर दिया आपने कहीं ना कहीं पूरे मराठा एंपायर के फ्यूचर को दाव पे लगा दिया फ्यूचर को दाव को लगाने का मतलब ये होता है कि नाउ यू हैव हाँ साइंड अ वेरी डेंजरस ट्रीटी आपने एक बहुत डेंजरस ट्रीटी को साइन कर दिया है और उसके बाद तो हमने देखा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जहां पर बहुत सारी पावर्स सिंधियाज भोसले होलकर इवन फ्रेंच भी फाइट कर रहे थे मराठास के साइड पे और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में बहुत सारी पावर्स को हराया गया होलकरस को हरा के ट्रीटी साइन हुई सिंधस को हरा के ट्रीटी साइन हुई भोसले को हरा के ट्रीटी साइन हुई पेशवास तो ऑलरेडी हार चुके थे जो उन्होंने बैसीन की ट्रीटी साइन की थी तो हमने देखा कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद एक क्लियर कट आइडिया तो हमें मिल गया दैट नाउ आर वेरी वेरी वीक ये जो वॉर हुई है इसके बाद ये बहुत क्लियर पिक्चर हमें समझ आ गई थी अब जो थे उनके बहुत सारे सोल्जर्स होते थे अब बहुत सारे सोल्जर्स का क्या हुआ अलायंस की बात तो सबकी नौकरी चली गई नाउ दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी अब वो क्या करने लगे वो लूटपाट करने लगे उनमें से बहुत सारे लोग थे पिंडारी मराठास के सोल्जर्स जो थे बहुत सारे देवर वॉट देवर पिंडारी अब एक बात बताओ जब आप सब्सिडी लाइन साइन करोगे तो पिंडारी क्या करेंगे विल विल बी दे गो फॉर लूटिंग एंड ब्रिटिश स्टार्टेड क्लीनिंग द द्वारा और इसमें हमने क्या देखा नाउ मराठास डिड कम पेशवा होलकर भोसले सिंधिया एवरीवन बट नाउ इट वाज टू लेट एंड वी सी एंटायर मराठा एम्पायर केम टू एन एंड बाय दिस वॉर यू शुड नो दिस थिंग पूरा मराठा एम्पायर इससे एंड होता है हमने देखा जो पेशवा है उनकी जो पूरी की पूरी एक गद्दी है वो एबॉलिश कर दी गई इन फैक्ट जो सिटिंग पेशवा थे पेशवा बाजीराव टू ही वो सेंट टू बिठूर पेशवा को कहाँ भेज दिया गया कानपुर के पास एक जगह है बिठूर वहाँ पे पेंशन देके भेज दिया गया

जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे ब्रिटिश वर वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस पर्सन काफी ज्यादा ब्रिटिश डर के रहते थे इनफैक्ट एटीन जीरो में तो लॉर्ड मिंटो जो था मिंटो वन उसने इनके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन की थी मिंटो वन ऑल्सो साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर उसने बोला था कि जो सतलुज नदी जा रही है सतलुज नदी जो है इसके नॉर्थ में आप रहो साउथ में हम रहेंगे बट दिक्कत हुई 1839 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि इनका यंग बेटा था महाराजा दिलीप सिंह इनकी वाइफ थी जिंद कौर वो इतने एफिशिएंट नहीं साबित हुए जितने महाराजा रंजीत सिंह थे और इसी का फायदा उठाते हुए हमने देखा ब्रिटिश ने लड़ाई छेड़ दी लड़ाई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुई है ये एक बहुत ही डेडली वॉर है इसलिए क्योंकि इसमें जो सिख एम्पायर है उसको ब्रिटिश के सामने कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा वीक होना पड़ा फॉर समाइम ऑफ लाहौर के थ्रू ब्रिटिश ने एक बहुत चालाकी से क्या किया जो कश्मीर था उसको डोगरा रूलर्स को बेच दिया गुलाब सिंह के ग्रेट ग्रैंड पचहत्तर लाख रुपए में कश्मीर को बेचा गया तो सौदा कर दिया जो, इन, जो इनका था भी नहीं उसको इन्होंने बेच दिया तो कितने चतुर्थ आप यहीं से पता लगा सकते किस तरह से ब्रिटिश ने यहीं पे कश्मीर को पचहत्तर लाख रुपए में डोगरास को बेच दिया था सिख से छीन के एनी उसके बाद हमने देखा सेकेंड इन्होंने सिख वॉर को छेड़ा एटीन फोर्टी में डलहौजी ने प्रॉपर तरीके से पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया ये बात आप याद रखेगा सो यू गॉट टू नो दिस थिंग कि बहुत सारी तरीके से इन्होंने हर चीज़ को हटाया पर कहते हैं ना नो एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वो यहां पे भी बात लागू होती है और ये मैं आपको क्लियर कट तौर पे इसलिए बता रहा हूं बिकॉज सी दिस थिंग कि चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना हो 1885 में या फिर वो 1857 की रिवोल्ट हो या फिर अन्य बहुत सारी ऐसी रिवोल्ट हो जो भी चीजें हुई हैं इंडिया में उसके पीछे ये सारी जो एक्शन हुए हैं इसके जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा रीजन है स्ट्रांग रीजन है यह आपको पता होना जरूरी है तो यू गॉट टू बी नोइंग दिस बेसिक पॉइंट दैट न्यूटन ने साफ साफ यह बात बोली टू एवरी एक्शन रिएक्शन आई फील दैट इज वेरी मच ट्रू इन दिस कंटेक्स क्योंकि चाहे रिवोल्ट कुछ भी रिएक्शन हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण जो है वो यही है ये बात आपको मानकर चलनी होगी एंड अगर आप ये चीज समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि आधी से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ आ गई क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि दीज आर दॉइंट विच यू ऑल नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग नाइसलीयर हो गए बेटे आपको इतना एनी वेज आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि एक यहां पे मैं शाम को आज आठ बजे दे वोट बी एनी क्वेस्ट एक मैं बहुत शानदार सीरीज लेकर आ रहा हूं फाइन नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली गोइंग टू वेरी मच बेनिफिशियल सीरीज फाउंडेशन ऑफ सी ए पी एफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये मेरे द्वारा है आज से इकतीस अक्टूबर तक चलेगी आठ बजे सो मेक श्योर योर ज्वाइनिंग यू डू कम ऑन द बाई दू रियलाइज वॉट इट इज ऑल अबाउट फाइन हर क्लास में बहुत सारी चीजें आपको करवाता हूँ एक क्विक रिविजन करवाता हूँ जो कि आप खुद से शायद ना कर पाओ बाकी आपको पता है बाइजी ग्ण पर आपको ऑनलाइन क्लास और प्रोग्राम फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन यू कैन यूज न्यू टेन एज अ कोड फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट उसके थ्रू आपको मिलता है एक फाउंडेशन कोर्स फॉर फा। फा। वेरियस वेरियस कोर्स जो भी आपके एग्जाम्स है चाहे वो कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर हो बेसिक्स के ऊपर हो आपकी पी डी एफ प्रैक्टिस कोर्स है लाइव क्लासेस सब चीजें हैं सी डी एस 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 बी इंटरव्यूज सी ए पी एफ कोर्स है एफ है हर चीज है एंड यू गेट अशोर रिजल्ट एज वेल सो द बेस्ट पार्ट इज़

तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत